कर्मचारियों की खत्म हुई टेंशन, कांग्रेस दे रही ओल्ड पेंशन। राजस्थान, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने दिया 6 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ। अब मध्य प्रदेश में भी लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा में मतदाता पर्ची बांटी और लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी भगवान दास सबनानी भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज ने मतदाता पर्ची बांटी और सभी से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान दक्षिण पश्चिम सीट से भाजपा प्रत्याशी भगवान दास सबनानी भी मौजूद रहे। आज से अपने भाई बहनों के बीच, मतदाता भाई बहनों के बीच, बेटे बेटियों के बीच पर्ची बांटने का काम प्रारंभ करूँ। पर्ची से मतदाता को जानकारी मिल जाती है उनकी पोलिंग बूथ कौन सा है, पर केवल पर्ची में हम संपर्क करके ये आग्रह और अपील कर रहे हैं कि वोट जरूर जरूर डालें और मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए और जनता के कल्याण के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। हमारे यहाँ के प्रत्याशी भगवान दास सबनानी जी के साथ आज मैंने अपने मतदाता भाई और बहन जो हमारा परिवार है उनसे संवाद किया, संपर्क किया, पर्चियां बांटी और अपील की कि बीजेपी को वोट करें, वोट जरूर। हर परिवार को 25 लाख तक मुफ्त इलाज, दुर्घटना में 10 लाख की मदद, हर घर 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। खुशहाल परिवार, कांग्रेस सरकार। हर परिवार को 25 लाख तक मुफ्त इलाज, दुर्घटना में 10 लाख की मदद, हर घर 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।